एकाग्रचित्त होकर हृदय आंगन में युगल सरकार को विराजमान करें, उनके भावमय संकीर्तन की सेवा में हम सब प्रवेश कर पाए, ऐसी प्रार्थना करें। लेकिन उससे पूर्व आज हमारे देश में समस्त देशवासियों के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई जीवन में। कुछ विधर्मियों ने, कुछ आताताइयों ने, जिनकी कृपा से, जिनकी सुरक्षा के बल पर हम लोग अपने घरों में सुख चैन की नींद सोते हैं, जो हमारे सुख चैन के लिए सरहद में जमी हुई बर्फों पर भी खड़े होकर दिन रात पहरा दे रहे हैं ताकि देश के अंदर रहने वाले देशवासी सुरक्षित रहें, अमन में रहें, शांति में रहें, सुख चैन में रहें, ऐसे हमारे देश के उन जवानों को कुछ विधर्मियों ने, कुछ आताताइयों ने, कुछ आतंकियों ने उनके साथ एक कायरता पूर्वक व्यवहार करके इस देश को, क्या देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है जो भुलाई नहीं जा सकती है। आज का संकीर्तन जितनी देर भी नाम संकीर्तन होगा, इस वाणी के माध्यम से ये संपूर्ण संकीर्तन हम उन सब दिवंगत, उन सब शहीदों के नाम, ठाकुर जी की कृपा से संकीर्तन की सेवा उन्हीं को समर्पित रहेगी। प्रेम, अमन, शांति से हम सब रह पा रहे हैं क्योंकि देश की सीमा पर कुछ जवान हम सब की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके लिए हृदय में वेदना। और विशेष अब समय ये आ गया है कि अब केवल बातों से या केवल बयानों से बात ना बने, जिस प्रकार का प्रहार, जिस प्रकार का कायराना हमला उन्होंने हमारे देश के जवानों के ऊपर किया है, उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का अवसर है। हम इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करेंगे कि आज तक उन्होंने जो भी निर्णय लिए, देश ने उनका साथ दिया और आज भी प्रत्येक देश का नागरिक उनके साथ खड़ा है। वो ऐसा निर्णय लें कि आज तो क्या, आने वाले कई दशकों तक ये आतंकवादी हमारे देश की तरफ नजर करते हुए भी घबराएं, सपने में भी भारत का नाम ले तो उनको डर लगे, ऐसी अपील हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष करना चाहते हैं। हम सब की यही वेदना है, हम सब का यही दुख है, जो जिनकी वजह से हम सुख चैन से यहाँ अपने घरों में बैठे हैं, सुख चैन से रातों को सोते हैं, हम यहाँ सोते हैं वो रातों जागते हैं, कितनी कितनी बर्फ में वो खड़े होके हम सब के लिए सुरक्षा करते हैं, ऐसे शहीदों को हम चाहते हैं बस 2 मिनट के लिए आप मौन रख लें और अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम सम्मिलित कर दें, उन शहीदों को समर्पित कर दें, नेत्र बंद करके 2 मिनट के लिए एक बार उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। हरिओम शांति।